टिक्की नाम बता रहा हूँ कि भी पहले दाल की प्लेट को पहले टिक्की बोलते थे, अब प्लेट बोलते हैं ना, पहले टिक्की बोलते थे, एक टिक्की दो टिक्की जो पहले लोग थे, तो प्लेट अब शुरू हुआ, इसका नाम शुरू हुआ अब कि भी प्लेट में डाल दो। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, लोग समझदार होते गए, फिर उसने चेंज कर दिया नाम। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं टिक्की राम होटल का ओनर हूँ। ये टिक्की राम होटल हमारा कम से कम 7-7 साल पुराना है। टिक्की राम वालिद साहब का नाम मेरे दिलदार हुसैन था, ठीक है। वो पहले दाल की प्लेट को पहले टिक्की बोलते थे, तो उसके बाद फिर किसी दोस्त ने उन्हें मजाक में कहा था भैया टिक्की राम, तो फिर वहाँ से नाम उनका शुरू हो गया टिक्की राम। तो मेरे वालिद साहब ने ये बुनियाद रखी थी इस होटल की आज से तकरीबन 70 साल पहले। इसमें दाल में हम बनाते हैं सिर्फ चने की दाल होती है हमारे पास। दाल को पहले बॉईल किया जाता है 4-5 घंटे, ठीक है। वो बॉईल करने के बाद उसके बाद फिर इसमें तवे पे ले आते हैं हम, इस पर टमाटर मिर्चें वगैरह घी वगैरह वो डलता है, फिर उसके बाद फिर मसाला ज़्यादा डाले जाते हैं जो दस्ती बनवाते हैं, खुद हाथ से बनवाते हैं हम, तो उसके बाद ये जायका बनता है इसका। खास बात म्यार है इसमें, हम तो अपना निकालते हैं, इसमें टेस्ट निकालते हैं, म्यार निकालते हैं हम इसका। ये तो जो खाएगा उसको पता लगेगा ना भी क्या चीज़ है, ये खाने के बाद पता लगेगा ना। ऐसे तो हम नहीं करेंगे, अब जो मर्जी के जाएं ये भी क्या खासियत है इसमें, ये देखें जी, हर रोज़ सामान ताज़ा डालते हैं, टमाटर मिर्चें प्याज जो वो ताज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑयल है वो अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, तो अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं जिससे म्यार निकालते हैं हम, कि जो लोग खाने में अच्छा लगे लोगों को और मौज से सेहत भी ना हो।